भैया, ये जो दोनों बच्चियों का जो प्रकरण था, इसको लेके कब से आप परेशान थे? क्या था, कहाँ इनका जन्म हुआ था? परेशानी का मतलब ये है कि जब से शादी की थी, सबसे पहले तो ये था कि मिसेस की नेशनलिटी के लिए मैं बड़ा परेशान था। तो फिर ये है कि 2007 में मिसेस की तो नेशनलिटी मिल गई, और उस वक्त ये था कि शायद मिसेस के साथ ही बच्चियों को मिल जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। मिसेस के मिलने के बाद फिर ये हुआ कि बच्चियों के लिए आपको प्रयास करना है, तो बच्चियों के लिए फिर जो है हमने जो है नेशनलिटी के लिए जो है अप्लाई किया, और 2007 से जो है इसमें लगे हुए। पर वही बताया ना कि वो जब से यहाँ जो है आपके प्रधानमंत्री कार्यालय जो खुला हुआ है रानीपुर कार्यालय में, तो फिर वहाँ जो बच्चियाँ गई और जाने के बाद जो है फिर वहाँ उन लोगों ने अपने बातों को बताया, तो उन लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया, और उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आपका जो भी प्रॉब्लम है आप उसको जो है एप्लीकेशन दें और उसको हम जो है देखते हैं। तो फिर एप्लीकेशन दिए, आपने इसके बाद उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बाहर बुलाया, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे किया, और उसके बाद जो है 2 साल में इस काम में इतनी तेज़ी आई कि 23 मार्च को जो है ये सर्टिफिकेट मिला। तो विश्वास ये वो हमसे आकर तो उन्होंने कहा कि डेडी वहाँ जाने के बाद हमें इतनी खुशी हुई कि हर लोगों ने जो है हमसे इतना कोऑपरेट वो किया कि हमें उसी दिन ये लग गया कि यहाँ मेरा काम हो रहा है, क्योंकि सारा स्टाफ या जितने भी लोग थे वहाँ पे कोई इस तरह का नहीं हुआ कि हम कोई वैसे हों या कोई घबराहट वाली हुआ, तो इस तरह की बात थी। तो उससे फिर इनका जो है दिल बढ़ा, फिर वो जब बुलाती थी जाती थी, और जैसा जैसा उन लोगों ने किया वैसे तो ये काम हुआ। फर्स्ट टाइम वो वोटर बन रही हैं इस बार, हाँ, तो किसको श्रेय देंगे इसका? जिस तरीके से वो जहाँ से मेरा काम हुआ है तो वो देंगे श्रेय जी। ये मतलब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की नज़र है बनारस पे, तो उनको भी श्रेय है इस चीज़ का? ऐसा कि अब वो कभी भी जो है हमें LIU से फ़ोन आ जाए करता था कि भाई आप फला फॉर्म फिल करें, अब उसके बाद जो है दुकान से उठ कर भी वो जाते थे, वहाँ जाने के बाद फिर जो है वो फॉर्म वगैरह देते थे, एक टेंशन से हो जाया करता था कि ये पता नहीं कब तक चले। और ये जो है 95 से ये चल रहा था, मैं भी बड़ा तंग आ गया था कि आखिर हो गया था इसका। तो पर ये हुआ कि भाई अब ये 2 साल में ये काम हो गया, तो बड़ी खुशी है। तो रमजान का महीना चल रहा है और कुछ दिन में वोटिंग भी यहाँ होने वाली है, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो यहाँ से सांसद बने थे उसको लेकर के कुछ फ़ायदा हुआ है आप लोगों को? नहीं, कुछ क्या, बहुत, मेरे लिए तो बहुत फ़ायदा हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि जो 95 का टेंशन था हमारा 200 साल का, वो हमारा दूर हो गया, और हमारा ही नहीं लाखों आदमी का उस कार्यालय से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा काम हुआ, और ये तो बहुत बड़ा टेंशन था। सबसे बड़ी बात है कि बच्चियों का ये था कि अब ये एज भरी शादी करनी है इनकी, तो अगर नेशनलिटी नहीं हुई तो फिर क्या होगा? लेकिन जब नेशनलिटी होगी तो वो ऐसा सुकून मिला। क्या नाम है आपका? निदा नसीम। आज आपके पास से ये मीडिया आई है, उसका कुछ खास कारण है, तो बस वही जानना चाहूँगा कि ये सारा वाकया क्या रहा, कैसे रहा, ये बताइए आप। जो है पापा की शादी कब हुई? 1989 में। 89 में जी। मम्मी आई? जी। मम्मी कहाँ की रहने वाली है? मम्मी पाकिस्तान कराची। उनकी नागरिकता को लेकर के किस तरह से परिवार में चला करता था, फिर आप लोग के जन्म हुए? स्टार्टिंग में तो हमने इस चीज़ को, मतलब जब तक हमारी पैदाइश नहीं होती तो हम मतलब घर में इतना कुछ वो नहीं था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का ऐसा है कि दोनों भाई की तरह ही हैं, और ये रहता है कि आधे रिश्तेदार हमारे यहाँ होते हैं, आधे पाकिस्तान में हैं। तो ये था स्टार्टिंग में, तो हमने इस चीज़ को काफ़ी लाइटली लिया हुआ था कि ये इतना ख़ास कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर जब ये हुआ कि 95 तक मेरी मम्मी पाकिस्तान में रहती थी, 95 से फिर जब हम दोनों की पैदाइश हो गई तब फिर मम्मी लेके आई यहाँ पे, फिर तब से हम यहाँ परमानेंटली रह रहे थे। मम्मी की नागरिकता कब हुई? मम्मी की हुई है 2007 में। जी, मम्मी को पहले बताया गया था कि अगर आप 95 से लेके 5 साल कंटिन्यूसली यहाँ पे रहेंगे तो आपको मिल जाएगी नेशनैलिटी, बट अम्मी 9 साल रहीं बट नेशनैलिटी नहीं मिली उनको। और इतने बीच में ये हुआ कि उनको अपने घर भी गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो उन्होंने कहा था अब इससे ज़्यादा हम इंतज़ार नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर वो 2004 में एट लास्ट चली गई। हम भी गए थे उस टाइम पर, फिर हम 3 महीने के अराउंड कुछ हम रहे होंगे वहाँ पर, फिर हम वापस आए
फिर हमारी तब तक फॉर्मेलिटीज़ चली नहीं थी ये नेशनलिटी वाली, फिर 2007 में जाके मम्मी को फाइनली मिल गई नेशनलिटी। उससे पहले हमारे लिए इसलिए नहीं अप्लाई किया गया था क्योंकि हमें बताया गया था कि मम्मी को मिल जाएगी तो हमें भी मिल जाएगी, क्योंकि हम दोनों के पासपोर्ट सेम थे, हम तीनों के इनफैक्ट। लेकिन ये हुआ कि मम्मी को मिली, उसके बाद फिर जब हमने अप्लाई किया तो हमारी अप्रूवल को रिजेक्ट कर दिया गया, ये बोल के कि हमें अब नए सिरे से स्टार्ट करनी होगी सारी चीज़ें। फिर तब से हम लोग लगे हुए थे, 2007 से हमने इस चीज़ की फिर स्टार्टिंग कर दी थी कि हमें अपनी नेशनलिटी के लिए वो करना है। बट कुछ ना कुछ ऐसा रहता था कि हमारी फॉर्म्स वगैरह रिजेक्ट हो जाते थे कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर, तो ये एक प्रॉब्लम बनी हुई थी। ये प्रॉब्लम जेन्युइन आपको लगती थी या कोई आपको मेंटल पजल करता था, ऐसा कुछ कभी लगा? मुझे तो इट्स पूरे उसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मुझे ये लगता था कि वाई डू आई नीड दिस, मुझे क्यों ज़रूरत है इसकी, मैं हूँ इंडियन और मुझे इसके लिए इतनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, तो मुझे कहीं ना कहीं, सॉरी अगर मैं गलत हूँ, तो सही नहीं लगती थी ये चीज़ कि मैं इंडियन होते हुए, मेरी मम्मी हो गई है इंडियन, मेरे डैडी इंडियन है, हम इतने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी ना। हमारी स्कूलिंग यहाँ पर है, हम खा पी रहे हैं यहाँ पर, जस्ट फॉर दिस। बात नहीं स्कूलिंग की, स्कूलों में किस तरह की दिक्कत होती है, एडमिशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे ऑब्वियसली मुझे यहाँ इतना अच्छा लगता था, तभी तो मुझे कभी सर्टिफिकेट की बात होती थी जी, तो हम पाकिस्तान ही लगाते थे उस पर, पाकिस्तान का लगाते थे, कभी किसी स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें स्कूल लेवल पे, हमें कभी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे कभी कुछ नहीं। रहा जी, आप सफ़र कर रहे थे लगातार, आप प्रयास कर रहे थे, फिर ये मुकाम कैसे आया, ये सारी चीज़ें कैसे हो पाई? बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता था, डैडी की जहाँ तक पहुँच हो सकती थी वो कोशिश करते थे पता करने की कैसे इस चीज़ को ईजी बनाया जा सके, बट कभी कहीं, क्योंकि ये अपने आप में एक नए तरह का केस था कि किसी को समझ में ही नहीं आता था कि क्या करना चाहिए इसको लेके। और 2007 में उस टाइम पे ये था कि ऑनलाइन भी सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो आपको खुद अप्रोच करना पड़ता था, मैनुअली आपको सारी चीज़ें करनी होती थी कुछ भी चीज़ जानने के लिए, तो उस वक्त इतना एक्सेस भी नहीं था मेरे डैडी के पास। फिर जब हम बड़े हुए, हमने अपने उससे कोशिश की, फिर 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हमारे, तब फिर जब हमें पता चला कि यहाँ पे एक पीएम ऑफिस खुल रहा है, और पेपर्स में हम डेली रिव्यूज़ पढ़ते रहते थे कि वहाँ पे जा रहे हैं लोग और उनकी पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम सुनी जा रही है और वो सॉल्व भी हो रही है इवन, तो एक दिन मैं और मेरी बहन ऐसे ही हम लोग जा रहे थे, सामने हमने देखा पीएमओ है, तो बगैर कुछ सोचे हम लोग जस्ट चले गए कि चलो एक बार जाकर देखते हैं होता क्या है। बहुत डरे हुए थे हम लोग के जाके पता नहीं क्या होगा, कभी हम लोग ऐसे ऑफिस में पहले कभी गए नहीं थे, बट जाने के बाद जो वहाँ पर था, हमारी बात बहुत अच्छे से सुनी गई, जाते वक्त हमें अश्योर कराया गया कि अब आप जाइए बिल्कुल और आपको मिल जाएगी नेशनलिटी, बेटे हम बोल रहे हैं आपसे आपको मिल जाएगी, मे भी थोड़ा टाइम लगे लेकिन मिल जाएगी। कौन था वहाँ पे आप? मुझे नाम नहीं याद है उनका जी, तो बस उसके बाद से फिर हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उन्होंने हमको गाइडलाइन दी प्रॉपर कि क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, तो उससे बहुत ईजी हो गया हमारे लिए चीज़ें और आज मिल गई हमें नेशनलिटी।